हेलो गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला आयरलैंड इंटर प्रोविंशियल लिमिटेड वर्ल्ड कप का मैच, जो कि होने जा रहा है लेस्टर लाइटनिंग और मस्टर्ड्स के बीच में। तो दो चीज़ें ऑलरेडी आपने नोटिस करी होंगी, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। एक तो कल के मैच का ओपोनेंट जो है मस्टर्ड्स वर्सेस लेस्टर लाइटनिंग। मस्टर्ड्स के मैचेस का मतलब ही है कि हमारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये वो पहला मैच उनका था, वहाँ पर भी हमने वही बात करी थी। हालांकि वो मैच हमारा अच्छा गया था, कुछ ऑब्जर्वेशन जितना भी था उतने के ऊपर डिपेंड करके ही हमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट हासिल किया था। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि उससे भी कम चीज़ें आपको मिलें, और मस्टर्ड्स के मैच में से ये आपको समझ के रखना ही पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में भी कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो होगा इस सीज़न में वही आपके लिए इन्फॉर्मेशन के तौर पर सामने रहेगा। और दूसरी बात, ये मैच होने जा रहा है डबलिन पे। डबलिन मतलब, हमेशा ही मैं कहता हूँ कि डबलिन पे कुछ प्लेयर्स अच्छा करते हैं जिनके बारे में भी हम आगे बातें कर चुके हैं। डबलिन मतलब वो ग्राउंड जहाँ पर लेस्टर लाइटनिंग पहला दो मैच खेली भी थी और जीती भी थी, और उस पहले दो मैचेस में कौन कौन से कॉमन परफॉर्मर्स नज़र आए थे वो भी शायद आपको याद ही होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको रिमाइंड तो करवा ही दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाएंगे, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं बताने के लिए है। लेकिन कुछ प्लेयर्स के बारे में है, कुछ एक आध बड़ा प्लेयर है जो कल के मैच में अवेलेबल नहीं होगा। याद रखना, अभी तक कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं करा है मस्टर्ड्स वालों ने। पिछले मैच में भी उन्होंने यही करा था, बिल्कुल लास्ट एक डेढ़ घंटे के अंदर उन्होंने अपडेट वगैरह दिया था। तो टेलीग्राम पर अपडेटेड रहना, ठीक है। हमें अगर कुछ पता चलता है कि कौन कौन से प्लेयर्स इन हैं आउट हैं तो हम बता देंगे, अगर नहीं पता चलता है जो प्लेयर्स हैं हमारे पास उनको लेकर ही हम फिलहाल के लिए डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ा जो इशू है अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है कि बारिश के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होगा ऐसा नहीं, लेकिन बारिश होगा ऐसा मुझे दिख रहा है। होपफुली ये वेदर सही हो जाए, लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है कि बारिश के वजह से रुकावटें आ सकते हैं। टॉस न्यूज़ भी पता चलेगा नहीं चलेगा अभी के लिए बता पाना मुश्किल है, लेकिन बारिश के चांसेस हैं। मतलब जितना टाइम का मैच होने जा रहा है, जितने टाइम के लिए मैच का शेड्यूल टाइम है, उसमें से मुझे मुश्किल से एक या दो घंटे अभी के लिए दिख रहा है जो क्लियर है। बाकी बारिश के चांसेस है 40-50% तक। अच्छा, कुछ भी यहाँ पर हिस्ट्री नहीं है बताने लायक, कुछ भी नहीं है। तो देखिए, ऐसा जनरली होता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो हमें डायरेक्टली आ जाना पड़ेगा ग्राउंड के बारे में पहले बताने के लिए। हेड टू हेड से कुछ नहीं है, आप एक्सपेक्ट भोग नहीं कर सकते, ग्राउंड के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रिसेंट मैचेस इन दिस ग्राउंड, मतलब ये जो पर्टिकुलरली ये ग्राउंड नहीं भी हो सकता है जो आप देख सकते हैं, पेम्ब्रोक क्रिकेट क्लब, ये नहीं भी हो सकता है, ये डबलिन का कोई और ग्राउंड भी हो सकता है। लेकिन मोटा मोटा क्या हमें देखने को मिलता है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राउंड है ये कुछ प्लेयर्स का घर है, उनमें से अगर मैं नाम बताऊं आपको, एंडी बॉलबर्नी, बैरी मक्कार्थी, जोशुआ लिटिल और लॉरकन टकर, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ये चार प्लेयर्स हैं जो इस ग्राउंड को अपने घर के साथ शेयर करते हैं। तो इस ग्राउंड के बारे में इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले मैच पर आपने देखा भी होगा कि बैरी मक्कार्थी, जो पहला मैच हुआ था इस टूर्नामेंट का, वहाँ पर उन्होंने चार विकेट निकाला हुआ था फर्स्ट बॉलिंग करते हुए। दूसरे मैच में भी उनके पास में विकेट था, तो होम मैच का कुछ एडवांटेज तो उनको मिला ही है। लॉरकन टकर इस सीज़न में अभी तक तो फॉर्म पर नज़र नहीं आए हैं, लेकिन आगे कुछ चीज़ें हम इनके बारे में बातें करेंगे। अच्छा, देखते रहो। तो ये हुआ था 2019 में 114 पर निपट गए थे नेशनल लाइटनिंग। बॉलबर्नी सिमी सिंह इस सीज़न में बिल्कुल भी सही से यूज्ड नहीं हुए हैं। सिमी सिंह क्या है कि पहले वो डॉकरेल जो है, जॉर्ज डॉकरेल अभी तो आते हैं नंबर 5 तक, पहले वो आते थे नंबर 8-9 तक, ठीक है। तो तब क्या होता था कि सिमी सिंह के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी आती थी और चांसेस भी उनको काफ़ी मिलते थे। अभी क्या हो रहा है कि डॉकरेल ऐसे फॉर्म पर चल रहे हैं कि वो ही समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा गेंद कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसीलिए सिमी सिंह को प्रॉपरली बैटिंग नहीं मिल रही है। जितना मिल रहा है 30-35 रन जितना उनको मिल रहा है वो कर रहे हैं। और अगर आप बॉलिंग से बात करेंगे, आपको शायद दिखेगा कि विकेट्स उनको ज़्यादा नहीं मिले हैं, हालांकि हर मैच में एक एक करके तो विकेट है ही, लेकिन अगर आप फिगर्स देखेंगे, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो आपको दिखेगा सिमी सिंह सबसे बेहतरीन बॉलिंग करवा रहे हैं लेस्टर लाइटनिंग के टीम में, लेकिन उनको विकेट खाली नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो उनको आप गलती से भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर लेना, अभी तक कोई ऐसा रीज़न नहीं आया है सिमी सिंह का कि आप उनको कहें कि नहीं ये फॉर्म पर नहीं है या अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक उनको सही से मौके नहीं मिले हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा हो गया कि ऊपर वाले जो बैट्समैन हैं, मतलब समझ लीजिए बॉलबर्नी, लॉरकन टकर, जॉर्ज डॉकरेल, इनके बाद ही उनका नंबर आ रहा है, तो अगर कहीं से वहाँ से कुछ जल्दी वगैरह आउट हो जाते हैं और सिमी सिंह को प्रॉपरली बैटिंग मिल जाती है, तो उनके बैटिंग में भी वो किस तरह के फॉर्म पर है हमको आइडिया पूरी तरीके से लग जाएगा। अभी तक तो खासकर उन्होंने बुरा कुछ नहीं करा है और बॉलिंग तो वो सही करवा ही रहे हैं, बस विकेट मिलने की देरी है। अच्छा, जो भी हो, तो बॉलबर्नी जिनका ये घर है, इन्होंने यहाँ पर अच्छा करा था। पेसर्स का ही अपर हैंड है, नॉर्दर्न नाइट्स के अगेंस्ट मैच था। मैकार्थी जिनका ये घर है, और पीटर चेज ने यहाँ पर विकेट निकाला था, जो कि हमेशा ही चेज में बेटर करते हैं दिया गया है।
दूसरा मैच ये है 2020 का मैच, ज़रूरी नहीं इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे हो लेकिन ओवरऑल आप समझ सकते हैं। तो फिर से आपको दिख जाएंगे डॉक्रिल, सिमी सिंह, लिटिल और चेस। जोशुआ लिटिल का भी ये घर है, ठीक है, और इस ग्राउंड पे पहले जब वो खेला करते थे उनके बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। साथ में टायरन केन, अभी टायरन केन तो लेस्टर की टीम में खेलते नहीं है लेकिन ये अभी आ चुके हैं मुस्टर्ड की टीम में, जिन्होंने अभी विकेट निकाला था। लेस्टर ने चेस कर लिया। सिमी सिंह आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन रोल वो प्ले करते थे, अभी उनका रोल थोड़ा बदल चुका है। आप नोटिस कर सकते हैं जब भी इनको प्रॉपरली मौका मिला है इन्होंने हच्चा करा है, लेकिन मौका मिलना भी चाहिए। और लॉर्कन टकर पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर भी। अगला मैच अगर हम आएँ तो आपको सिमी सिंह बॉलिंग से फिर से दिख जाएंगे, लिटिल फिर से दिख जाएंगे, चेस फिर से दिख जाएंगे। और लेस्टर लाइटनिंग यहाँ पर चेस कर गई थी, पेसर्स का ही अपर हैंड था। और कैम्फर जो पहले लेस्टर लाइटनिंग की टीम के खेलते थे उनके परफॉर्मेंसेस हैं इस सीजन का जो दो मैच। अच्छा ये है पिछले सीजनों के मैचेस, ठीक है, पर्टिकुलरली इस ग्राउंड पे नहीं भी हो सकते हैं मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल डब्लिन का परफॉर्मेंस है। अगर हम इस सीजन के दो मैचेस को फिर से रिमाइंड करवा दें तो जो पहला मैच हुआ था मैकार्थी ने पहले बॉलिंग करते हुए चार विकेट निकाला था, इसके सिवाय डॉक्रेल और चेस के विकेट से लेस्टर ने चेस कर लिया था, जहाँ पर टेक्टर ग्रासी जहाँ से उनका मतलब डेब्यू हुआ था और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने करा था, डॉक्रेल बैटिंग से भी, और इस सीजन में वो कमाल ही फॉर्म पर चल रहा है। तीनों ही मैच पर बैटिंग से उन्होंने परफॉर्म करा है, भले ही टीम पिछला मैच हार गई हो लेकिन उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल 100% रहा है। और दूसरा जो मैच था यहाँ पर भी आपको डॉक्रेल का शतक दिखा होगा, ग्रासी का रन दिखा होगा, सिमी सिंह यहाँ पर जितना मौका मिला था उन्होंने करा था, केविन ओब्रायन काफ़ी ख़राब टच पे चल रहे हैं लेकिन स्टार्ट उनको भी मिला था, और बॉलिंग में पीटर चेस, हालोडान, सिमी और मैकार्थी के परफॉर्मेंस आपको दी जाएंगे। तो सिमी सिंह अभी भी कर रहे हैं, मतलब पहले की तरह उतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस भले ही नहीं हो लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अभी भी उनका है, 40-50 करके पॉइंट आपको दे ही रहे हैं ऑन एन एवरेज। लेकिन इस ग्राउंड पर अगर हम बात करें तो पीटर चेस हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा नज़र आए हैं हमें, हर मैच भी उनके खाते में एक दो करके या फिर आखिरी मैच में तीन विकेट भी उन्होंने निकाला हुआ है। उसके बाद बैरी मैकार्थी जैसे आपको बताया इनका घर है तो इनके भी खाते में कंसिस्टेंट विकेट्स हैं, और फर्स्ट मैच में इस सीजन के उन्होंने चार विकेट भी निकाला हुआ है। जॉर्ज डॉक्रेल का ये घर वगैरह तो कुछ नहीं है लेकिन जब से उनका मतलब बैटिंग में रेवोल्यूशन हुआ है, बैटिंग में वो प्रोमोटेड हुए हैं, इस सीजन के दोनों ही मैच में उन्होंने बैटिंग से बढ़िया परफॉर्मेंस करा है इस ग्राउंड पर, ना सिर्फ इस ग्राउंड पर ओवरऑल भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करा है। जो आखिरी मैच लेस्टर लाइटनिंग हार गई थी दूसरे ग्राउंड पर खेल के, वहाँ पर भी उन्होंने बैटिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था, ठीक है। तो कुछ नाम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, स्कोर्स अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर बनता नहीं है, ठीक है। आखिरी मैच पर भी 251 बना था डॉक्रेल के धमाकेदार पारी की वजह से, और यहाँ पर आपको एक 240 वाला दिख जाएगा। यहाँ पर यही कुछ हाईएस्ट स्कोर्स हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर बनता हुआ मैंने दिखा नहीं है। यहाँ पर चेज हालांकि हो गया था जब लॉर्कन टकर और सिमी सिंह ने बहुत ही बढ़िया पारियाँ खेली थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा रन यहाँ पर बनते नहीं हैं। और 250 आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो छोटी मोटी टीम्स की, अगर मैं बात करूँ तो छोटे मोटे अगर जैसे कि मुस्टर्ड वगैरह अगर खेले तो अगर इतना रन वो बना देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 250 के भीतर ही मामला रहता है। पेसर्स का अपर हैंड है एज एक्सपेक्टेड, और यहाँ पर तो उतना ज़्यादा पेसर स्पिनर का वेरिएशन भी नहीं होता है, जो अच्छे बॉलर हैं उनको विकेट मिलता है, क्लियर सी बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 के सेक्शन में जहाँ पर हम थोड़ा बहुत काम और बातें कर सकते हैं। ऊपर तो जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं मैंने आपको बता दिया, जितने हैं मैचेस के ही हैं, अगर आपको देखना है आप देख सकते हो, कितना रिलेवेंट होगा नहीं होगा वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा प्लेइंग 11 की बात करें, मुंस्टर्ड की तरफ से सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है वो है कर्टिस कैम्फर कल के मैच में नहीं खेलेंगे, ठीक है, उनका ऑपरेशन होने वाला है। तो इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि नीदरलैंड्स ए और आयरलैंड ए के जो सीरीज़ हुए थे वहाँ पर भी कर्टिस कैम्फर पहले मैच के बाद नहीं खेले थे, और वो अभी काफ़ी समय के लिए बाहर हैं, ये आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। अभी तक उनका सिलेक्शन परसेंटेज 90% से ज़्यादा है, अगर कोई ऐसा होगा जो न्यूज़ नहीं रखता होगा तो आपके ओपोनेंट में ऐसे लोग आ सकते हैं जो उनको लेकर आएँ और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएं, लेकिन वो खेलेंगे नहीं, याद रखना। अभी बात करते हैं मुस्टर्ड की टीम के बारे में। देखिए आखिरी मैच आपने देखा कि नॉर्थ वेस्ट वारियर्स ने बड़े ही बुरी तरीके से उनको हराया, ठीक है, जितना मैंने भी आपको बताया था कि जो तीन टीम्स के बाहर जो प्लेयर्स होते हैं जिनको उन तीन टीमों में मौका नहीं मिलता है उनको लेकर मुस्टर्ड की टीम को बनाया गया है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लीस्ट क्वालिटी। फिर भी कुछ बड़े नामों को इंक्लूड करा गया है इनके टीम में, जैसे कि पीटर मोर जो हैं, टायरन केन, ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने इंक्लूड करके कुछ हद तक बैलेंस करने की कोशिश तो करी है लेकिन कुछ खास फायदा अभी तक हुआ नहीं। टायरन केन आखिरी मैच पर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, बैटिंग से भी कुछ रन बनाए थे, बॉलिंग से भी एक आध विकेट निकाला था लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं था, ठीक है। अभी तो टॉस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको टॉस का न्यूज़ पता चले तभी उस हिसाब से इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये मैच भी वन साइडेड मैच हो सकता है। रिगार्डलेस ऑफ टॉस, जो जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर होंगे मुस्टर्ड की तरफ से, बैटिंग में ग्रेग फोर्ड आखिरी मैच पर उनको प्रॉपरली बैटिंग नहीं मिली थी,
ठीक है। लेकिन इस मैच में आप उम्मीद रख सकते हैं, जैसी बॉलिंग है एलिस्टर हटिंग की, इनके पास प्रॉपरली बैटिंग आनी चाहिए। उसके बाद कॉर्मैक मैकलफ्लिन गवहीन, जिन्होंने भी बहुत ही अच्छा स्टार्ट लिया था, फिनिश नहीं कर पाए थे, लेकिन अच्छे फॉर्म पर ये भी हैं। तो ये दो बैट्समैन बैटिंग सेक्शन में अभी के लिए आप पिक करके रख लो। अभी मरे कॉमिंस, जिन्होंने आखिरी मैच में बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी, अगर आपको टॉस पता चलता है और आप देख रहे हो कि मुस्टर्ड पहले बैटिंग कर रही है, इनको लेकर रखना, ठीक है। लेकिन अगर समझ लीजिए मुस्टर्ड चेस कर रही हो और अगर आपको कहीं पे रिस्क लेना है, मैं कह रहा हूँ रिस्क, ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मरे कॉमिंस को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ग्रेग फोर्ड और मैकलफ्लिन गवहीन को मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड पिछले मैच के इनिशियल स्क्वाड में थे, इंजरी के चलते या किसी रीज़न की वजह से वो बाद में बाहर हो गए थे, तो अभी कर्टिस कैम्पर कल के मैच में खेलेंगे नहीं। अगर फोर्ड फिट हैं तो हो सकता है कि फोर्ड की वापसी हो, और अगर ये खेलते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ टॉस आपके टीम में होने चाहिए। जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी इनको प्रॉपरली मिल जानी चाहिए क्योंकि कर्टिस कैम्पर नहीं खेलेंगे, और जैसी बॉलिंग है, जैसी की टीम है लेस्टर हटिंग की, उस हिसाब से इनको बैटिंग भी प्रॉपरली मिल जानी चाहिए, ठीक है। टायरन केन मस्ट हैव है, आप इनको छोड़ नहीं सकते रिगार्डलेस ऑफ टॉस। मैनली अगर पहले बॉलिंग करवाती है टीम तो आपके टीम में ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। आखिरी मैच में इनके बारे में हमने बातें नहीं किया था क्योंकि हमें पता नहीं था ये खेलेंगे या नहीं, स्क्वाड का कोई अता पता नहीं था, लेकिन आखिरी मैच जो इन्होंने खेला था बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई हुई थी। हालांकि बाकी टीमों की तरह इस टीम में भी मुझे मैनेजमेंट में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि जो अच्छा बॉलिंग करवाता है उनको बॉलिंग नहीं दी जाती है, क्यों नहीं दी जाती है मुझे पता नहीं, लेकिन मैनली अगर पहले बॉलिंग करवाते हैं तो आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहो टायरन केन तो आपके लिए हो ही गए, उसके बाद अगर फोर्ड खेलते हैं तो फोर्ड हो गए, तीन बॉलर आपके लिए हो गए, चौथा बॉलर अगर आपको लेना है पहले बॉलिंग अगर करवा रही है टीम तो आप यहाँ पर फियोन हैंड या काउली में से किसी को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये है पहले बॉलिंग कर, और अगर पहले बैटिंग कर रही है तो कोशिश करना उनके मेजोरिटी ऑफ द बैट्समैनों को लेने की, मतलब चार पांच जितनी प्लेयर्स आप लो मुस्टर्ड की तरफ से उनमें से बैट्समैनों को ज़्यादा लेने की, क्योंकि हो सकता है उन्हीं को ज़्यादा एक्सपोजर मिले, हो सकता है कि वो ऐसा रन नहीं बनाए जिस जो कुछ चैलेंजिंग हो सामने वाली टीम के लिए और एक तरफा मैच वो जीत जाए। तो उस हिसाब से मैकलफ्लिन गवहीन कॉमिंस इवन मोर को भी आप ले सकते हो ग्रेग फोर्ड के साथ, और टायरन केन तो आपकी टीम में होंगे ही, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा जब टीम दिखाऊंगा किस तरह से आप कुछ कर सकते हैं, लेस्टर हटिंग की तरफ से कुछ भी बताने के लिए नहीं है, ठीक है। एक तरफा मैच होने की उम्मीद है तो उसी हिसाब से आपको टीम बनानी है। कुछ प्लेयर्स के बारे में आपको मैं नोटिफाई करवाता हूँ, हमारे लिए मैच ईजी हो सकता है अगर लेस्टर हटिंग पहले बॉलिंग करवाती है। मैं अभी के लिए आपको बता दे रहा हूँ, अगर लेस्टर हटिंग पहले बॉलिंग करवाती है, ये जो नाम है ना इसको कैप्टन बना के सो जाना, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ, एक तो मैंने आपको बताया इनका ये घर है, और बॉलिंग फर्स्ट बैरी मकार्थी का रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है इस ग्राउंड पर। ऑफकोर्स हेड टू हेड में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उस हिसाब से हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये एक बेसिस है। और वैसे भी सबके टीम में होने वाले हैं काफ़ी लोग, क्योंकि कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन तो बना ही सकते हैं, और हमारे लिए अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है लेस्टर हटिंग की टीम तो मस्टली कैप्टन चॉइस बन जाएंगी ये, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्राइक बॉलर हैं और इनको प्रॉपरली बॉलिंग मिल जानी है। बाकी अगर आप देखेंगे डॉकरेल, तो डॉकरेल उस तरह से बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ अच्छा नहीं कर रहा, मैं टीम में नहीं रखने को नहीं बोल रहा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है लेस्टर हटिंग तो मैकार्थी इज द फर्स्ट चॉइस। उसके बाद पीटर चेस तो वैसे भी आपकी टीम में है, लेकिन जोशुआ लिटिल मेरे टीम में ज़रूर से होंगे अगर हमें पता चलता है कि बॉलिंग फर्स्ट कर रही है। इवन आप रिगार्डलेस ऑफ टॉस भी आप टीम में रख सकते हो, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर पहले बैटिंग कर रही है लेस्टर हटिंग तो हो सकता है कि वो काफ़ी बड़ा स्कोर भी खड़ा करे, और तब आप एक्स्ट्रा बॉलर लेने के चक्कर में जो बैट्समैन छोड़ोगे वो भी आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बॉलिंग फर्स्ट पे, ठीक है। मैकार्थी और लिटिल मेरे लिए मस्ट हैव हो जाएंगे अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है टीम, और चेज़ और डेविड हॉलोडन में से एक को। चेज़ जनरली फर्स्ट इनिंग्स में उतना इफेक्टिव हमें होता हुआ नहीं देखा है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जाना है तो आप इनके साथ जा सकते हो, और डेविड हॉलोडन। उसके बाद सिमी सिंह मेरे लिए फिर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तब तो और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है नीचे बैटिंग उनको मिले, लेकिन वो जिस रोल पे खेल रहे हैं ना, हिटर की तरह काम कर रहे हैं समझ लीजिए, तो अगर फिर से वही डोमिनेशन वाला हमें देखने को मिलता है लेस्टर हटिंग की तरफ से, टॉप चार पाँच बैट्समैन ही मेजोरिटी ऑफ द बॉल्स जो है कंज्यूम कर जाते हैं, अगर ये सही से समझ लीजिए 20-25 रन भी बना देते हैं, और उसके बाद बॉलिंग भी ये प्रॉपरली करवा रहे हैं 10 ओवर का, और ज़रूरी नहीं हर दिन ही ये अच्छी बॉलिंग करवाने के बावजूद भी विकेट खाली हाथ लेके जाएंगे, ठीक है। और इस ग्राउंड पर इनके रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे टीम में हो सकता है कि मैं कैसे भी करके इनको मैनेज कर लूँ, बाकी आपके ऊपर है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मैं कहीं से भी मिस नहीं करने वाला, एक तो है एंडी बॉलबर्नी, दूसरे हैं केविन ओब्रायन,
काफ़ी लोग हो सकता है कि इनको इग्नोर करें, लेकिन जैसी बॉलिंग नज़र आई है ना मुझे आखिरी मैच पर मुस्टर्ड की, मुझे कुछ मतलब ज़्यादा इफेक्टिवनेस तो नज़र नहीं आया है। और आप उम्मीद रख सकते हैं अगर केविन ओब्रायन इस मैच में रन नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि पूरा टूर्नामेंट जो है उनको खाली हाथी रहना पड़े। देखिए कोई लॉजिक वगैरह कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस तरह की मैंने मैच नोटिस करी है, आपको अगर याद होगा आखिरी जो मैच खेला था मुस्टर्ड की टीम ने नॉर्थ वेस्ट वारियर्स के अगेंस्ट में, वहाँ पर एंडी मैकब्रायन को भी उन्होंने बैटिंग बैट्समैन की तरह मतलब दिखा दिया था। सभी ने जितने भी बैट्समैन बैटिंग करने आए थे सब ने जितने भी बैट्समैन बैट करने आए थे टॉप फाइव में सब ने रन बनाया था। तो उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल टूथलेस बॉलिंग मुझे लगी थी उस मैच में मुस्टर्ड की तरफ से, और अभी तो कैम्फर्ड भी नहीं है। तो इसीलिए अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो केविन ओब्रायन मेरे टीम में ज़रूर होंगे, इवन मेरे टीम में ज़रूर से ही होंगे बैटिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग फर्स्ट हो, क्योंकि ये तो ओपनिंग करने आएंगे, अगर टीम 50 रन पे भी निपट जाती है मुस्टर्ड की टीम तब भी इनको बैटिंग मिल जानी है। तो इसीलिए उसके बाद एंडी बॉलबर्नी, लॉर्कन टकर भले ही फॉर्म पर नहीं है लेकिन ये जिस तरह के बैट्समैन हैं और ये इनका घर भी है इस ग्राउंड पर, इनके बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह के ये कैलिबर के बैट्समैन हैं उनके फॉर्म में आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जिस दिन आएंगे फॉर्म पर उस दिन बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। तो इसीलिए बैटिंग फर्स्ट में तो मेरे टीम में ज़रूर होंगे, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनसी मटेरियल भी हो जाते हैं। तो जो जो प्लेयर्स रिगार्डलेस ऑफ टॉस हमारे टीम में होंगे, केविन ओब्रायन, बैरी मक्कार्थी, जोशुआ लिटिल और शायद सिमी सिंह भी, तो ये चार प्लेयर्स अभी अगर बैटिंग फर्स्ट करती है टीम लेस्टर हटिंग की तो बॉलबर्नी यहाँ पर आ जाएंगे, टक्कर यहाँ पर आ जाएंगे, तो हो गए हमारे लिए यहाँ पर छः प्लेयर्स, ठीक है, और डॉक्टर भी आप समझ सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में तो अब ले ही लेंगे, तो सात प्लेयर्स यहाँ से हो गए। और अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है तो ये चार प्लेयर्स के साथ हम इन दोनों में से किसी एक को ऐड करेंगे, और हो सकता है कि दोनों को ही लेके चलें, मतलब ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से एक बात सुन लेना, अगर आप मैचेस देख रहे हो, अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, उसी हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, यहाँ पर लॉजिक रिकॉर्ड स्टैट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस के ऊपर है, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है, जितना हमारे पास हिस्टोरिकली अवेलेबल है उस हिसाब से है, ये सही नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए और कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, अगर आप भी इससे सहमत हो तो ही इस चीज़ को अप्लाई करना, मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा, मैं कोई बेसिस नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि अगर आप कुछ और लग रहा है तो आप और भी जा सकते हो, लेकिन इतना एक चीज़ पकड़ कर चलना कि आपको एक प्रिडिक्शन के ऊपर जाना है, आप सारी चीज़ों को कंसीडर करके टीम नहीं बना सकते, आपको एक या दो प्रेडिक्शन करना है, उसी हिसाब से आप अपनी टीम जो है बना सकते हैं। और मेरा प्रेडिक्शन यही है कि कल के मैच में बहुत ही गंदे तरीके से मुस्टर्ड की टीम को हराने वाली है लेस्टर हटिंग की टीम, अगर मैच पूरा होता है तो। कैप्टन भास्करन चॉइस की बात करें तो रेड्स की तरफ से देखिए ये दोनों सबके टीम में होंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, टायरन किन रिगार्डलेस ऑफ टॉस सबके टीम में होंगे, मतलब यही थोड़ा बहुत क्वालिटी ब्रिंग कर रहे हैं कैम्फर के नहीं रहने के बाद, और कॉमिंस जिन्होंने आखिरी में परफॉर्म करा था तो इनको सभी लोग को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और किसी के बारे में लोगों का आइडिया नहीं है। लेकिन हमारे टीम में जो होंगे ग्रेग फॉर्ड और मैनली, मैनली अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो मेरे टीम में ज़रूर से आपको दिख जाएंगे, और मुझे मतलब 90% भरोसा है कि कल के मैच में इनको प्रॉपरली बॉलिंग मिल जानी है अगर बॉलिंग फर्स्ट मिलती है तो, क्योंकि कैम्फर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कॉल मैकलिन गविन और मैट फोर्ड में से कोई एक अगर मैट फोर्ड खेलते हैं तो, और काउली अगर बॉलिंग फर्स्ट में अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेस्टर हटिंग की तरफ से डॉकरेल और बॉलबर्नी अभी सिर्फ टीम में है, उसके बाद मैकार्थी, रिस रना है तो सिमी सिंह और केओबी में से कोई एक, और पीटर चेस और लिटिल को भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है लेस्टर हटिंग की टीम तो। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना अगर आपको इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम चाहिए तो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके सिवा अगर आप सर्च करोगे अब टेलीग्राम के सर्च बार पे @teams4win विदाउट स्पेस लिख के तो 1,00,000 के ऊपर सब्सक्राइब वाला चैनल आपको दिख जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में वहाँ पर टीम्स मिलती रहती है, ना सिर्फ क्रिकेट की बल्कि फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे गेम्स की भी है, तो ज्वाइन जरूर जाना, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप ही के लिए है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। अच्छा अभी मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है, ये जो 8 प्लेयर्स आप देख रहे हो लेस्टर हटिंग की तरफ से, बॉलबर्नी, केविन ओब्रायन, सिमी सिंह, मैकार्थी और लिटिल, और यहाँ से केन, जी फोर्ड याद रखना, और मरे कमी स्मॉल लीग है इसीलिए, नहीं तो मैं शायद बड़ी लीग में कंसीडर भी कर सकता हूँ, स्मॉल लीग में 90% लोगों का सिलेक्शन है और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास जो पिछले मैच से आप कंसीडर कर सको, तो इसीलिए तो 8 प्लेयर्स मेरे टीम में होंगे। अभी अगर लेस्टर हटिंग पहले बैटिंग करती है तो डॉकरेल यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, मैं डॉकरेल को बॉलिंग फर्स्ट में क्यों कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि वो ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं, तब जाके हो सकता है कि मैं डॉकरेल के जगह पर, मैं बता रहा हूँ कि बॉलिंग फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में डॉकरेल यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे लॉर्कन टकर। तो हमारे लिए 7 प्लेयर्स हो गए और हमें यहाँ पर बॉलर लेना है तो मैं मैनली को ले लूँगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अच्छा क्रेडिट का थोड़ा इशू आ सकता है, तो हो सकता है मुझे कहीं पे कुछ सोचना पड़े, तो हो सकता है तब मैं मॉडे कमिंस को छोड़ के यहाँ पर मैकलाफ्लिन गविन को ले लूँ और मैनली को ले लूँ। मैनली को लेकिन लूँगा मैं, अगर मुझे कंसीडर करना पड़े कि एक बैट्समैन या मैनली, अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो ध्यान से सुनना, अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तभी तो मैं मैनली को लूँगा, ठीक है। तो ये है अगर लेस्टर लर्निंग पहले बैटिंग कर रही है तो। अभी फिर से वही 8 प्लेयर्स, मैकलाफ्लिन गविन क्रेडिट सेवर हैं, अगर क्रेडिट बच जाए तो कमिंस को ले लेना। अच्छा अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है लेस्टर लर्निंग की टीम, तब हम क्या करेंगे, हमें एक्स्ट्रा बॉलर यहाँ से ऐड कर लेंगे, पीटर चेज या हालोरन में से कोई एक, ठीक है। और यहाँ पर आप तभी इनके जो बैट्समैन है पीटर मोर, इनको ले लेना और यहाँ पर मारे कॉमिंस को भी ऐड कर लेना। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लेयर्स को तब एक्सपोजर मिलेगा ना इनके जो बैट्समैन है, हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो होंगे बाकी उनके बॉलर्स वगैरह उनको नहीं मिले। और वैसे भी हम यहाँ पर टायरन केन को ले रहे हैं बॉलर के तौर पर, अगर आपको एक और बॉलिंग ऑप्शन ऐड करना है तो यहाँ पर इन तीनों बैट्समैनों में से किसी एक को ड्रॉप करके, समझ लो मैं जी फोर्ड को ही ड्रॉप कर रहा हूँ जो कि मैं पर्सनली करना तो नहीं चाहता, तो आप फियोन हैंड को भी ले सकते हैं जो थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेंगे। और मैंने पीटर मोर को क्यों रखा है, क्योंकि इनको ही बैटिंग में एक्सपोजर मिलेगा, हो सकता है कि इतना रन नहीं बनाए मोस्टर्ड की टीम तब जाके अगर वो बैटिंग फर्स्ट करते हैं कि लॉर्ड कंटक के पास प्रॉपरली बैटिंग आए, ठीक है। थोड़ा रिस्क और ले सकते हो तो बॉल बर्नी को भी ड्रॉप कर देना और एक और बॉलर ऐड कर लेना, या फिर जैक टेक्टर जो है उनको ऐड कर लेना, मतलब ऐसा कुछ करना। मतलब मोटा मोटा मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल डोमिनेशन हो सकता है लेस्टर लर्निंग का, उसी हिसाब से सोचना। पहला वाला जो मैंने आपको टीम दिखाया, अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है लेस्टर लर्निंग की, तो डॉक्टर आपके लिए कैप्टन हो ही गए। वाइस कैप्टनसी के लिए आप रिस्क ले सकते हो तो केविन ओब्रायन के साथ या फिर बॉल बर्नी के साथ चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है, आँख बंद करके बैरी मैकार्थी कैप्टन हो जाएंगे। और वाइस कैप्टनसी के लिए आप लिटिल के साथ जा सकते हो या फिर रिस्क ले सकते हो तो केविन ओब्रायन फिर से, क्योंकि ओपनिंग करने आएंगे। या फिर अगर आपको मुस्टर्ड की तरफ से कोई सेफ ऑप्शन देखना है तो आप टायरन केन के साथ जा सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ से ही इनको जो है काम करना पड़ेगा। कभी कितना करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन काम जो है करना पड़ेगा। और याद रखना टायरन केन भी अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं कहीं भी इसके भी इनको अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के मटेरियल के लिए भी मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यही है कुछ चीज़ें, थोड़ा सा क्रेडिट इशू हो सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कहाँ से आप क्रेडिट मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैट फोर्ड भी दिख जाएंगे, अगर वो खेलते हैं तो उनको भी आप क्रेडिट सेवा के तौर पर ट्राई कर सकते हो। एक और प्लेयर है जिनका नाम है टिम टेक्टर, गलती से भी कोई इनको ले नहीं रहा, लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट में आप टॉप ऑर्डर से दो प्लेयर्स को छोड़ रहे हो, बड़ी लीग में इवन स्मॉल लीग में भी आप ये सोच सकते हो, तब टिम टेक्टर को ट्राई कर लेना। ये हिटर के तौर पर माने जाते हैं, जैसी इनिंग्स कल के मैच में मैक्लिंटॉक ने खेला था वैसी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी इनके पास है। और अगर थोड़ा बहुत टाइम इनको मिल जाता है तो, यंग है अभी तक कुछ खास करा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, लेकिन आखिर में आके एक धमाकेदार 30-40 रन की इनिंग्स ये खेल सकते हैं अगर बैटिंग फर्स्ट करती है टीम लेस्टर लर्निंग की, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ टॉस कुछ प्लेयर्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, टॉस के ऊपर क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कुछ कॉमन सेंस कुछ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेसिस करके ही ये सारी एनालिसिस है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, अगर कुछ लास्ट मोमेंट पर पता चलता है तो हम ज़रूर अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।